मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका बचपन और पढ़ाई कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको लिखने की ओर प्रेरित किया। इसके साथ साथ आपका जो एकेडमिक करियर है, जिसको हम अकादमी स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा, वो भी दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों से कॉलेजों से हुई है, तो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको लेखन की तरफ भी ढकेला और शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने अध्ययन के दौरान आप एक अच्छे कॉलेजों में जाते रहे। तो इसका ना एक थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो देना चाहता हूं। मेरे पूरे जीवन को अगर आप देखें तो मैं बंगाली हूं, आपके साथ बैठा हूं, हिंदी में बात कर, आपके अनुमति से अगर मैं कहूं कि मैं खराब हिंदी भी नहीं बोल रहा। नहीं नहीं, एकदम नहीं बोल रहे, अच्छी हिंदी बोल रहे। बहुत लोगों को लगता है कि बंगाली हिंदी ठीक से बोल नहीं पाते हैं वगैरह वगैरह। मैं विदेश में बहुत रहा पर मेरी हिंदी अभी भी शुद्ध है जी। अब इसका शुरुआत मुझे लगता है, देखिए मेरे जो माता पिता हैं, दोनों के जो परिवार थे, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, मेरे दादा दादी नाना नानी, वो आज जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं जी, वो पार्टीशन के, देश के विभाजन के समय वो वहां से भाग के आ गए थे, जब दंगे शुरू हुए भाग के आ गए। और ऐसी कई लोगों के परिवार में ऐसी कहानी है, पर उनके बदन में जो कपड़ा था वही से वो लेके आ गए। अच्छा। बस और कुछ नहीं था उनके पास। तो वो जब आए, मेरे मेरे पिताजी के जो परिवार थे वो कलकत्ते में बस गए, और मेरी माताजी के जो परिवार थे वो जमशेदपुर में, तब बिहार हुआ करता था, झारखंड है जी, वहां बस गया। मेरी पैदाइशी भी झारखंड की है, जमशेदपुर की है। तो उन्होंने पहले से मुझे समझाया कि देखो हमारे पास तो है नहीं कुछ, और तुम जहां जाओगे वहां अगर तुम उस जगह के नहीं हो पाए तो वहां से तुम्हें कुछ लेने का अधिकार नहीं है। एक शब्द है अंग्रेजी में entitled behavior, उसका मतलब यह होता है कि आपको हमेशा लगता है कि दुनिया मुझे कुछ देगा। ये मेरे माता पिता ने कभी नहीं सिखाया मुझे, उन्होंने हमेशा सिखाया कि ये सोचो कि तुम उस समाज में क्या दोगे, क्या बात है, और उस समाज की जो रीतियां हैं, जो चाल चलन है, जो जो भी उनके रिचुअल्स जो हैं, उसको आप पूरी तरह से अपनाओ। मैं एक छोटा सा मजेदार किस्सा आपको सुनाता हूं। मेरी स्कूल तो कलकत्ते में हुई, उसके बाद जब जिस साल मेरा स्कूल खत्म हुआ तभी हम दिल्ली आ गए। मेरे फादर रेलवे में काम करते थे, मेट्रो रेल के काम बनाने में उनका काफी योगदान रहा कलकत्ते में, फिर उनका ट्रांसफर हो गया जब दिल्ली मेट्रो शुरू हुआ जी। तो हम आ गए दिल्ली। तो एक मजेदार बात है, हमने जब तक हम दिल्ली नहीं आए थे तब तक हमारे मन में ये था ही नहीं कि छोला कोई खाता है। और ये बहुत मजेदार कहानी है, मैं आपको बता दूं जी। मुझे अभी भी याद है, मेरे फादर जब गए थे पहले बार दिल्ली देखने के लिए, आए थे कि कहाँ रहेंगे क्या करेंगे वगैरह, कभी आए नहीं है, पता नहीं है, तो वापस जाके कहने लगे कि सब मुझे कह रहे थे छोले भटूरे खा लीजिए, छोले भटूरे खा लीजिए। और उनको अब कुछ कोई ये आपत्ति ना करे, एक मजेदार कहानी है तो मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमने तो देखा है कलकत्ते में सिर्फ घोड़ा छोले खाते हैं। अबे छोले खाने का बात कैसे आ गया। अब देखिए क्या परिवर्तन होता है, 22 साल हो गया हमारे दिल्ली में। हम जब आए तब हमें लगा ओ छोले भटूरे करके कुछ होता है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं था जी। और हमारा विशाल देश है, लोगों को समझ में नहीं आता है, हमें पता ही नहीं था। आज हमारे घर पे छोले भटूरे हफ्ते के एक दिन तो खाया जाता ही है, और उसका ऑर्डर कौन देता है सबसे ज्यादा, मेरे पिताजी। क्या बात, क्या बात। तो ये होता है अपनाना। मेरी माताजी झारखंड से, जमशेदपुर से हैं, तो वहां पे तो ज्यादातर हिंदी बोलने वाले लोग हैं, तो उन्होंने मुझे पहले से बताया था कि देखो ये कलकत्ते में बंगाली लोग बोलते हैं और तुम अंग्रेजी सीखते हो, ऐसे करके ये सीमाबद्ध होके मत रहो, बहुत बड़ा देश है, आप जहां जाओगे काम करने के लिए, जहां जाओगे पढ़ाई के लिए, उस जगह का जो है रीति रिवाज उनको अपनाओ। तो हम जब दिल्ली आए,
पहले से हमारे मन में ये था कि दिल्ली के जो बोल चाल है उसको हम एकदम अपना कर लेंगे। तो मैं तो आजकल काफ़ी मेरे दोस्त हैं बहुत उनको मैं बोलता हूँ कि मैं तो पूरा तरह बंगाली नहीं रहा, 22 साल दिल्ली में रहने के बाद मैं थोड़ा बंगाली, थोड़ा पंजाबी और थोड़ा उत्तर प्रदेश का भी बन गया हूँ। आजकल मैं नोएडा में रहता हूँ, थोड़ा उत्तर प्रदेश का भी है। तो ये जो एक हंसी मजाक में पर एक बहुत गहरी बात है ये अपनाना। तो अंग्रेजी आपने बहुत बहुत अच्छी तरह से मुझे आपने बोला कि मेरी अंग्रेजी अच्छी है, पर मैं जब ऑक्सफोर्ड में पढ़ने गया मैंने वहां का चीजें अपनाया, मैंने अंग्रेजी उनकी अंग्रेजी ली इसीलिए। तो जहां मैं गया मैं उसका सबसे बेहतरीन जो चीजें हैं लेने की कोशिश की। तो ये है संक्षेप में मेरी कहानी।